नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। वृद्ध को घर में घुसकर लूटा गया, पुलिस के आते ही कमाश के फ्लैश उड़ गए। कार पार्किंग विवाद में हुआ व्यापारी पर हमला, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वृद्ध को घर में घुसकर लूटा गया, नागपुर में घर में रसोई वृद्ध पर हमला कर मंगलसूत्र लूट लिया गया। यह वारदात जरीफटका थाने के न्यू इंदौरा में हुई। इस घटना से परिसर में दहशत मची हुई है। 80 वर्षीय कैलाश बाबूराव गजबी 18 अगस्त को तड़के 3 बजे रसोई घर में थी। उसी वक्त एक युवक घर में घुसा आया और वह बरूल पहन था। वह पलंग के नीचे छुपा रहा। कैश जाग गई थी और उन्हें देखा कि कौशल ने आने की वजह पूछी। उसके चलते हुए कौशल को बताया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसके चलते हुए छुपने के लिए उसे जगह चाहिए। इसके बाद कौशल का मुंह दबाकर 25,000 रुपए कीमत का मंगलसूत्र छीनकर वह वहां से फरार हो गया। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस के आते ही कमांड के हुए फ्लैश, तड़े तस्करी के गुर्ग को अधिक वक्त एक जैसा काम नहीं देते। बेरोजगार होने के बावजूद नियम पथ दवाद लाउन केस जाने से संदिग्ध पर कई मर्तबा पुलिस की नजर होती है, इसलिए गुर्ग को एक ही पब अथवा लाउंज में 1.5-2 महीने से अधिक नहीं रखा जाता। गुर्गो नशे की शौकीन और आशीन होते हैं, इसी के चलते हुए ग्राहकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे पुराने ग्राहक का संदर्भ बताते हुए डिलीवरी दी जाती है। पुलिस अपवाद स्वरूप मौके पर ही छापा मार कर लाउजन की तरफ से ऐसा तत्काल बाथरूम में जाकर MD की तस्करी किए जाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कार पार्किंग विवाद में व्यापारी पर हुआ हमला। नागपुर में कार पार्किंग मामूली वजह से व्यापारी की पिटाई कर दी गई और यह घटना गणेशपेट थाने के तहत रजत पैलेस में हुई। पुलिस के आरोपी धीरज चौरस या धीरज की बहन जीजा नीलेश कर्ण, नंदकिशोर तिवारी, आलोन जैन और अमल मिले तथा अन्य लोग भी शामिल रहे। खिलाफ इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वेंकटेश्वर नगर निवासी मनीष अग्रवाल किचन एंड ओम पैलेस के वितरण है। उनका गणेश पेट के रजतपाल में कार्यालय है। रजतपाल के कुछ फ्लैट में मनीष ने ऐसी फील्डिंग का काम किया कि मनीष ने भाई लोकेशन कार्यालय में बैठते हुए शुक्रवार सुबह 11 बजे मनीष कार्यालय में आए। उन्होंने कार पार्किंग किए जाने से मजदूर को सामने ले जाया गया, परेशानी हो रही थी इससे बात कही। दोपहर 2:30 बजे के बीच धीरज चौरसिया सामने ले जाने के लिए आया। उसने कार मनीष के कार्यालय के सामने पार्क कर दी। मनीष ने उसे कार हटाने को कहा और इसी के चलते हुए 5 मिनट में उन्हें हाथापाई पर उतर आए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।